फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये वीडियो किसी भी ब्रांड के तरफ से एक स्पॉन्सर नहीं है, ये मेरा खुद का यूज़ एक्सपीरियंस बेसिस पे ओपिनियन है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको कौन से ब्रांड के नेकबैंड लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूज़र रिक्वायरमेंट की कि आप जब एक बड लेना चाहते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप उसे किस वजह से लेना चाहते हैं, आपको म्यूजिक सुनना है, गेमिंग करना है या फिर आपको कॉलिंग करना है। यानी कि अगर आप म्यूजिक सुनने के लिए ले रहे हैं तो लॉन्ग लास्टिंग बैटरी बैकअप होना चाहिए उसमें, गेमिंग के लिए अगर ले रहे हैं तो लो लेटेंसी होना चाहिए, और अगर आप कॉल पे ज़्यादा देर रहते हैं बेहतर कॉल एक्सपीरियंस के लिए नॉइस कैंसिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्यों आपको डीजो का ब्लूटूथ नेकबैंड लेना चाहिए। पहले हम बात कर लेते हैं दूसरे ब्रांड का। अगर आपका बजट है 700 से 1000 रुपये तक, तो दूसरे ब्रांड में आप देखोगे तो 700 से 1000 रुपये तक में लगभग 10 मॉडल मिल जाएंगे। किसी का बैटरी बेटर है, किसी का नॉइस कैंसिलेशन, किसी का वॉइस आउटपुट अच्छा है, तो कोई दिखने में अच्छा लगता है। कुल मिला के आप सोच में पड़ जाओगे कि कौन सा लें। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बिना समय गवाए डायरेक्ट आते हैं डीजो पे, तो एक ही जगह पे आपको सारा फीचर एक डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन के साथ मिल जाता है। मतलब वॉइस कैंसिलेशन, लॉन्ग बैटरी लाइफ, 11.2 mm ड्राइव, एक्सलेंट वॉइस आउटपुट एंड मेनी मोर। तो चलिए इसका क्विक रिव्यू करते हैं। इस प्रकार का इसका बॉक्स पैकिंग है और देखते हैं डब्बे के अंदर क्या सब है। रियलमी बाई टेक लाइफ, ये रियलमी का सब ब्रांड है। डब्बे के ऊपर सारे की फीचर्स लिखे हुए हैं। तो अब ओपन करते हैं डब्बा को, तो इसमें नेकबैंड नहीं है क्योंकि मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक सेपरेट बॉक्स है जिसमें हमको मिला था ये बिल। बिल के बाद एक टाइप सी केबल मिला है इसे चार्ज करने के लिए, जो कि अच्छा क्वालिटी में है। तो उसके बाद इसमें हमें दो सेट और ईयरबड्स मिले थे, छोटे बड़े, जो अपने आप ईयर्स के हिसाब से लगा सकते हैं। फिर एक यूज़र मैनुअल जिसे कोई पढ़ता नहीं है, और कुछ नहीं है डब्बे में। तो अब बढ़ते हैं मेन यूनिट की तरफ, जो है हमारा एयरबड। तो अब मैं इसका डिटेल बता रहा हूँ। मॉडल है वो बिल्ट इन माइक्रोफोन के साथ आता है और कॉलिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। इसका जो बड्स है वो 11.2 mm बास ड्राइव के साथ आता है, जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो बाकी बर्ड्स के तरह ये थम्पिंग नहीं करता है, जिससे आप इस वाले बर्ड्स को लॉन्ग टाइम के लिए भी केयर कर सकते हो। बात करें इसके बैटरी लाइफ की, तो 17 hour प्लेबैक टाइम देता है, जो कि म्यूज़िक कॉलिंग के साथ 2 से 3 दिन आराम से मैं चला लेता हूँ। इसका जो एयर बर्ड्स है वो इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन सपोर्ट करता है, यानी कि इसका जो रबर ग्रिप है वो बहुत ही अच्छा है, और जब आप इसे अपने कानों में लगाओगे तो काफ़ी हद तक ये आसपास का वॉइस रिड्यूस कर देता है। और ये ब्लूटूथ 5.0 वर्जन के साथ आता है, जो कि अभी तक तो लेटेस्ट वर्जन है। और मुझे जो वन ऑफ द बेस्ट फीचर इस बर्ड्स का लगा वो ये है कि ये इंस्टेंट मैग्नेट सपोर्ट करता है, कनेक्शन सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है। जैसे ही आप दोनों बर्ड्स को एक दूसरे से अलग करोगे, विद इन 1 से 2 सेकेंड में ये कनेक्ट हो जाता है, और जब कभी भी कॉल आ जाए आपको मोबाइल नहीं निकालना है, बस आप जैसे ही इसे डिटैच करके अपने कानों में लगाओगे मोबाइल से कनेक्ट होके ये कॉल रिसीव भी कर लेता है। इस बर्ड्स में भी नॉइस कैंसिलेशन के लिए कोई फिजिकली माइक तो नहीं है, बट ये सॉफ्टवेयर के थ्रू काफ़ी हद तक नॉइस को रिड्यूस कर देता है, जिससे आपका कॉलिंग एक्सपीरियंस पहले से काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये रियलमी लिंक ऐप को भी सपोर्ट करता है, जिसके बाद आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप जब रियलमी लिंक को डाउनलोड करके इसे पेयर करेंगे तो आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे बैटरी का परसेंटेज और साउंड इफेक्ट, जिसमें आपको बास बूस्ट और डायनेमिक ब्राइट का ऑप्शन है। मोड में आपको गेम मोड मिल जाएगा। अदर फीचर में ऑटो कॉल एंसर है, यानी कि जब भी आप इसको डिटैच करेंगे तो ये ऑटो कनेक्ट होके कॉल को रिसीव कर लेगा। फिर आपको बटन सेटिंग मिलते हैं, जिसमें बटन सेटिंग में आप जाओगे तो बटन सेटिंग में आपको
अपने हिसाब से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। जैसे सिंगल टैप में प्ले पुश है, आप उसे चेंज करके कुछ भी कर सकते हो, जिससे डबल नेक्स्ट ट्रैक कर सकते हो, कॉल रिसीव और कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद जितने भी चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आप अपने हिसाब से इसे असाइन कर सकते हो, जिसके बाद आपका कस्टमाइजेशन हो जाएगा और आप अपने हिसाब से इसे चला सकते हो। तो ये थी कुछ अच्छी बातें जो इस एयरबड्स को यूज करने के बाद मुझे लगी। तो अगर आपको भी ये अच्छा लगा तो आप भी इसे खरीद सकते हैं। और अगर आपका बजट 1000 से ज़्यादा है, जैसे 1500 से 2000 तक है, तो आप रियलमी या ओप्पो वन प्लस के भी साथ जा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे नेक बैंड्स हैं। और ये मैं पूरे 3 महीने यूज करने के बाद मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने दीपावली में 999 में लिया था और ऑफ़र में आपको भी 999 में मिल जाएगा। 1 जनवरी आने वाला है, हो सकता है ये आपको उससे कम में भी मिल जाए। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि किसी को लेना हो नेकबैंड तो इस वीडियो से सजेस्ट करें, अपने फ्रेंड को भी ये शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।